सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइलेंट स्ट्रगल आर के में। सो आज मैं जिनके साथ यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ तो इनके बारे में थोड़ा परिचय आप लोग को दे देना चाहता हूँ। सो इनका नाम है मुकेश जायसवाल जी। हमारे बिपाड़ा में जो न्यूज चैनल है, जो न्यूज चैनल का नाम है BFC न्यूज, सो वो न्यूज चैनल के फाउंडर है मुकेश जी। तो आज इनके साथ मुझको इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है, तो चलिए इनसे थोड़ा जानते हैं इनके जर्नी के बारे में और BFC न्यूज चैनल के जर्नी के बारे में। सो सबसे पहले मुकेश जी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि अभी मेरी ऑडियंस जो अभी आपको देख रही है, सो आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा स्टार्टिंग जर्नी के बारे में बताइए कि ये जो BFC न्यूज चैनल आपने क्रिएट किया, इस जर्नी के बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी को कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया इंटरव्यू के लिए। सो ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं डायरेक्ट फेस पे आ रहा हूँ, कैमरे पे आ रहा हूँ अपने फेस के साथ ऑब्वियसली। सो मेरा नाम मुकेश जायसवाल जी जो उन्होंने बताया, और मैं हूँ फाउंडर ऑफ BFC जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज चैनल है, डिजिटल न्यूज चैनल इन डुआर्स। मैं उसका फाउंडर है ऑब्वियसली, और भी को फाउंडर है हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो मैं आया हूँ एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ फाउंडर ऑफ BFC रोहन जी के इस चैनल पे। मुकेश जी, जैसे आप ये बताइए कि जो BFC न्यूज चैनल जब आपने क्रिएट किया, आपने ये कौन सा ईयर में BFC न्यूज चैनल क्रिएट किया? ओके, पहले मैं आता हूँ आइडिया ऑफ BFC का आइडिया कैसे आया। सो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे, मैं सोशल मीडिया फेसबुक पे आया 2011 पे, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत तरीके के कंटेंट्स डालते हैं, फोटोज डालते हैं, हाँ, और कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो कि न्यूज़ कंटेंट डालते थे कि हमारे आसपास लोकेलिटी में क्या हो रहा है, उसको मास लोगों तक पहुंचाने का। तो मैं सोचा क्यों नहीं ये एक ऐसा पेज बना लिया जाए कि जहाँ पे हम सब लोग मौजूद हों और जो भी हमारे लोकेलिटी में जो प्रॉब्लम्स है उसको एक जगह पे दिखाया जा सके एंड उसका सॉल्यूशन क्या किया जा सके, किस तरह से किया जा सके, कितने जल्दी किया जा सके, वो हम लोग करें। तो ये आइडिया रखते हुए हमने एक पेज बनाया। पेज का नाम था बीरपारा फ्रेंड सर्कल, जो एक इनिशियल पेज हमने बनाया था। बट हम लोगों ने BFC जो सोचते हुए बनाया था, हम लोगों ने एक प्रॉपर एक वर्क करने लगे न्यूज़ चैनल का। तो बाद में हमने ये नेम चेंज करने का सोचा, BFC को हम लोगों ने इनिशियल्स पे लाया एंड लेटर वी रीनेम्ड इट टू ब्रीफकास्ट न्यूज़। सो इस वक्त ये डुअर्स का वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़ चैनल्स है, जिसका शुरुआत हमने 2014 में किया था। 9 ईयर्स हो चुके हैं हमारे चैनल को स्टार्ट करते हुए, और स्टार्टिंग के दौरान हमारा को फाउंडर मिस्टर रोहित अग्रवाल, जो हमारे साथ काफ़ी इसको एकदम इनिशियल एकदम स्क्रैच से इसको बिल्डअप किया गया। उस समय बहुत लोग क्या करते थे कि न्यूज़ चैनल्स तो थे नहीं, फेसबुक का यूज़ लोग अपने पर्सनल कंटेंट डालने के लिए करते थे, बट हम लोगों ने इसका यूज़ किया एक पॉजिटिव वे में कि हम लोग लोगों को अवेयर कर सकें। जैसे अभी आप लोगों ने सुना कि 2014 में BFC न्यूज चैनल स्टार्ट हुआ, सो 2014 से आज 2023 8-9 साल हो चुका है जो कि सक्सेसफुली हमारे बिपाड़ा में और डुअर्स में ये न्यूज चैनल चल रहा है। सो मुकेश जी, जैसे 2014 में जब BFC न्यूज चैनल स्टार्ट हुआ, तो हमें पता है कि आज से 8-9 साल पहले हमारे लोकल में जो भी कुछ न्यूज होता था, जो घटना होता था या फिर कुछ ऐसा होता था, तो इधर लोकल का न्यूज को कोई बड़ा न्यूज चैनल पर दिखाया नहीं जाता था। जब आपने BFC स्टार्ट किया 2014 में, तो उस टाइम से लेके आज तक क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? देखिए, प्रॉब्लम्स की जो आप बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आता है कब, जब आदमी प्रॉपर ट्रेंड नहीं हो, है ना, कि कोई वर्क करने के लिए प्रॉपर ट्रेंड नहीं हो। सो 8-9 साल पहले ऑब्वियसली हम लोग टीनेज में थे। टीनेज में होने की वजह से क्या कि हम उस समय जस्ट कॉलेज एंटर किए थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, हम भी स्टूडेंट्स थे, तो प्रॉपर एक जर्नलिस्ट नहीं थे, हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं था। तो ट्रेनिंग की कमी के वजह से शुरुआत में हमें न्यूज़ रिपोर्टिंग्स कैसे किया जाता है वो सीखने में समय लगा। उसके साथ साथ किस तरीके का वर्ड्स यूज़ करना होता है, किस तरीके का डिप्लोमेटिक वर्ड्स यूज़ करना होता है, किसी को हर्ट नहीं करना है या किसी को डायरेक्ट ब्लेम नहीं करना है, बस हमारा काम होना चाहिए, काम हमारा नहीं समाज का काम होना चाहिए। तो ये ध्यान रखते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते रहे कि लाइक आप जानते हो कि बीरपारा जिस तरीके का एरिया है, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बहुत होते हैं एंड अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जो कि ज़्यादातर हर जगह में होते हैं। बट
काम अब करने जाओगे कुछ भी तो ऑब्वियसली हर्डल्स आते ही है, आपको उस तरह उसको किस तरह से हैंडल करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हुए हमें भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता था, साथ ही साथ ऐसा इस तरह से रिपोर्ट करना होता था कि वो काम कुछ भी अगर है जो करना है सोसाइटी में, बहुत दिन से अगर पेंडिंग है वो नहीं हो रहा है तो हमें उस काम को करवाना है, ना कि उस पर एक इशू क्रिएट करवाना है। तो हमारा काम हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे था, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग पे था। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए, प्रॉब्लम्स आया उसको सॉल्व करते गए। सो जैसे अभी आपने सुना जब 2014 से स्टार्ट हुआ तो प्रॉपर एक ट्रेनिंग नहीं था, जिसके बाद करते गए सीखते गए तो आज 8-9 साल सक्सेसफुली बीएफसी न्यूज चल रहा है। जब न्यूज चैनल आपने स्टार्ट किया सो सबसे पहले आपने अकेले काम स्टार्ट किया कि किसी ऐसे इंसान को रखा जिनको अच्छा खासा काम आता हो, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आज से 8-9 साल पहले मैं एक फेस जो मुझे समझ में आ रहा था कि आगे चलकर जिस तरीके से 4G, जब मैं आया 2014 में भी 4G आने वाला, 2016 में आया 4G, 3G का समय था, तो मैं फील कर रहा था कि इंटरनेट का ज़माना है, ऑब्वियसली लोग पेपर से डिजिटल में मूव करेंगे, सोशल न्यूज़ चैनल्स वगैरह को प्रेफर करेंगे न्यूज़ के लिए, जो उनको रियल टाइम में जो घटना घट रही है उसका जानकारी लोगों को मिले, तो ये सोचते हुए तो बीएफसी हमने बनाया, ये हमने सोच रखा था। तो जब ये मैं बनाया तो मैंने जस्ट नॉर्मली एक पेज बना के रखा फेसबुक पे एंड न्यूज़ ऐसे प्रॉपरली शेयर कर रहा था, बट जो कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर बोलिए या फिर कोई भी यूट्यूबर बोलिए जो भी ब्लॉग्स वगैरह करते हैं, उनको पहला समय में क्या होता है, एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि हाँ आप डाल तो रहे हो बट वो कोई लोग देख नहीं रहे। तो मेरे साथ भी ऑब्वियसली ऐसा हुआ, सबके साथ होता है। तो फिर मैं अपने एक फ्रेंड जो कि मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, मेरा स्कूल मेट है मिस्टर रोहित अग्रवाल, मैंने उनको ऐसे बताया कि मैंने ऐसे से मतलब पेज वगैरह बनाने का सोचा है, न्यूज़ चैनल को बनाने का सोचा है, मैंने उसको बनाया एंड वो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया एंड ही गिव इट ऑल। तो उन्होंने किक ऑफ किया, इसको स्टार्ट किया, एक अच्छे स्टार्ट दिया एंड लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। तो हाँ, स्टार्टिंग फेज में फर्स्ट टू डेज में हमारा ऑलरेडी 500+ फॉलोअर्स हो चुके थे, 2014 का मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें भी एक उत्साह आया कि हाँ इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये करते करते हम फर्स्ट 2 ईयर्स में हमारे 10,000 फॉलोअर्स हो गए, हाँ हमें बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे करते करते ऑब्वियसली अभी हमारे 1,00,000+ फॉलोअर्स हैं। सो जैसे जब ये इस जर्नी का जब आपका स्टार्ट हुआ न्यूज वाला जर्नी का, सो स्टार्टिंग में जैसे आप अपने फेसबुक पेज में आप न्यूज अपलोड करते थे, तो जैसे होता है कि 2014 का जब टाइम था उस टाइम 4G आया नहीं था, 2G और 3G चल रहा था, तो देन मान लीजिए कहीं पे जैसे आप विपरम रहते हो तो मान लीजिए कहीं हंसी मारा या फिर जयगांव साइड कहीं पे कोई घटना हुआ, तो वो न्यूज को आप अपने चैनल पे मतलब उस चीज को कैसे पता करते थे कि यहाँ पे ये घटना, वो उसको आप अपने चैनल पे अपलोड करना है, तो ये जो प्रोसेस होते हैं ये आप लोग कैसे मतलब मैनेज करते हो? देखिए ऑब्वियसली हमारे फ्रेंड्स सिर्फ विपरम में लिमिटेड नहीं है, कुछ जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, वो और भी जगह पे रहते हैं, से डुअर्स में बहुत जगह हांसी मारा हो गया, कालचीनी हो गया, बिनागुड़ी बानाराट हो गया, तो ऐसा कभी कुछ घटना सामने आता था मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता था तो मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता था कि अगर आप फोटो कलेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़ कलेक्ट कर सकते हैं, क्या हुआ इंसिडेंट के बारे में प्रॉपर इन्फो ले सकते हैं क्योंकि आपके लोकल एरिया का, आप मुझे भेजिए, वो व्हाट्सएप के थ्रू हमें न्यूज़ के इन्फॉर्मेशन प्रॉपर क्या है नहीं है वो भेजते हैं एंड फोटो भेजते थे। उस समय फ़ोटो अपलोड करने का ज़माना था, वीडियोज़ अपलोड करने का ज़माना नहीं था, बहुत कम किया जाता था। तो इस तरह से हम लोग न्यूज़ फोटोज़ एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एक कंसर्न्ड अथॉरिटी जो उस प्रॉपर न्यूज़ को ऑथेंटिकेट कर सके प्रॉपर सोर्स से कलेक्ट करते थे एंड देन हम लोग उसको बीएफसी पे पब्लिश करते थे। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई घटना हुआ, तो मान लीजिए कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, सो आपको पता चला कि इस जगह पे आज ये घटना हुआ, सो आप लोग उस चीज को आप लोग पब्लिश करते हो, कि न्यूज के लाइन में होने होने के कारण आपको एक प्रेशर रहता होगा कि
यहाँ पे जो घटना हुआ इस चीज़ को मैं पब्लिश अपने चैनल पे कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मतलब ये जो न्यूज है ये सही है गलत है कि इसके अंदर मतलब कुछ ऐसा है कि हो सकता है न्यूज फेक भी होते हैं, तो ये सब चीज़ को थोड़ा आप लोग मतलब ये किस तरीके से मतलब पता करते हो कि क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को आप अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए प्रॉपर जो आपने बोला कि फेक न्यूज़ तो ऑब्वियसली बहुत लोग करते हैं। फेक न्यूज़ का होता है जानकारी का अभाव में, है ना। तो हमें कभी भी ऐसा इनिशियल इनपुट्स मिलता है कि कहीं पे कुछ ऐसा घटना हुआ है, तो हम लोग कोशिश करते हैं उस एरिया के पीएस से कांटेक्ट करने का, उस एरिया के रिपोर्टर से कांटेक्ट करने का, या उस एरिया के लोकल से कांटेक्ट करने की कि हाँ आपके एरिया में ऐसा कुछ हुआ है। अगर हुआ है तो हम लोग पहला कोशिश रहता है कि हम लोग वो स्पॉट पे पहुँचे एंड खुद से उस चीज़ का देखें कि क्या हुआ है, एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन गैदर करें एंड प्रॉपर सोर्स से ऑब्वियसली गैदर करें। एंड अगर हम लोग नहीं हैं तो हमारा जो वहाँ पे रिपोर्टर है जो जिससे हमारा अच्छा जो सोर्स है हमारा, और उन्हें कहते हैं कि आप जाकर देखो स्पॉट पर कि क्या हुआ है, घटना एक्चुअल घटना क्या है, तो कंफर्म करते हैं न्यूज़ कि हाँ ये जेन्युइन न्यूज़ है या नहीं है, उसके बाद ही हम लोग इसको पब्लिक के सामने लाते हैं। दूसरी बात ये हो गया कि प्रॉब्लम्स की, अभी देखिए एक्सीडेंट्स होता है, एक्सीडेंट्स में अगर हम लोग को पहले इनपुट मिलता है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो लोगों को जो ज़रूरत पहला ज़रूरत जो होता है मेडिकल फैसिलिटीज़ उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं, प्रॉपर पुलिस वगैरह वहाँ आए हैं या नहीं आए हैं या आ चुके हैं या आने वाले हैं, ये पता करते हैं। एंड पता करने की कोशिश करते हैं कि जो विक्टिम्स है वो कहाँ के हैं, उनके घर वाले कहाँ हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे कनेक्ट कर सके, उनसे या तो उनको जानने वालों से कनेक्ट कर सके। तो बहुत बार होता है कि हमें ना चाहते हुए भी फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है कि लोग अपने लोगों को पहचाने कि इस तरीके अप्रिय घटना हो चुकी है, इस तरीके की घटना हो चुकी है, तो वो स्पॉट पे पहुँचे एंड आगे के कार्रवाई में वो जो मदद करना चाहे खुद का अपने जाने वाले का जो इस तरीके दुर्घटना में फंसे हैं हेल्प कर सके। यही रीज़न होता है कि हम लोग एक्सीडेंट्स वगैरह का डालते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं कि वो ध्यानपूर्वक गाड़ियाँ चलाएँ, ये प्रॉपर इस स्पॉट्स पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होता है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक चलाएं, यही एक रीज़न है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने मुकेश जी के जर्नी के बारे में सुना, एक न्यूज़ चैनल को सक्सेसफुली रन करना बहुत ही प्रेशर वाला काम होता है, खास करके जो न्यूज़ चैनल होता है वो प्रेशर वाला ही काम होता है। सो मुकेश जी, जैसे आपका इस न्यूज़ चैनल में 8-9 साल हो गया, आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, सो जैसे अभी आज के टाइम पे अभी तो 4G का 5G का जमाना है, अभी तो हर जगह सब लोग नेट यूज करते हैं, तो अभी जो बहुत लोगों का ऐसा ड्रीम होता है कि उनको इससे न्यूज वाले लाइन पे जाना है, उनको एंकरिंग करना है या फिर उनको कहीं पर कुछ घटना हो रही है उसको दिखाना है अपने फेसबुक में या यूट्यूब में, या फिर उनको जर्नलिस्ट लाइन में इंटरेस्ट है, तो आपका 8-9 साल का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप अपने तरफ से कुछ इस बारे में बोलना चाहोगे? देखिए मैं लोगों को जरूर चाहूँगा कि लोग इस फील्ड में जुड़े, हाँ अगर प्रॉपर इस फील्ड में कैरियर बनाना है तो प्रॉपर तैयारी के साथ जाए। तैयारी से मेरा कहना है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि जर्नलिज्म का कोर्स करवाते हैं, मास मल्टीमीडिया वगैरह जो भी है इसका कोर्स करवाते हैं, आप वो प्रॉपर कोर्स करें उसके बाद इस फील्ड में उतरे, जो आपके लिए आगे इस कैरियर में हेल्पफुल होगा। दूसरा, एक प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये लाइन है, आप किस तरीके से अपने रिपोर्टिंग, अपने जर्नलिज्म या अपने थ्रू आप सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैलाते हो या नेगेटिविटी फैलाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, तो काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। जो भी लोग इसमें आना चाहते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आएँ, मैं यही बोलूँगा कि आप प्रॉपरली कोई एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको हर इसका परेशानियों से किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से कोप अप करना है, आप इसको सीखें एंड इस लाइन में आए अगर आपको इसमें करियर बनाना है। सो जैसे अभी आपका BFC न्यूज चैनल का 8-9 साल हो चुका है, तो अभी आप इसका फ्यूचर को कैसे देखते हो कि आगे इस जो BFC न्यूज चैनल है या फिर कोई दूसरा अगर न्यूज चैनल आप खोलना चाहो तो इस लाइन को अभी आप फ्यूचर में कैसे देखते हो? देखिए मैं तो यही सोचता हूँ कि जो हमारा जो न्यूज़ चैनल है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं ऑब्वियसली जो कि उनका वर्किंग मॉड्यूल अलग है, हमारा वर्किंग मॉड्यूल है हमारा व्यूअर्स हमसे अटैच्ड है एंड हम लोग एक कनेक्टेड है। कुछ इश्यूज होता है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है
तो वो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि उनका ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, एंड हम क्या करते हैं कि हम कंसर्न अथॉरिटी के पास भी बोलते हैं कि इस तरीके के लोगों को, यहाँ के लोगों को इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो रहा है, एंड उसको पब्लिश भी करते हैं। पब्लिश होने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वो कंसर्न अथॉरिटी उसको सॉल्व करते हैं, और अगर सॉल्व हो गया है तो हम लोग ये भी दिखाते हैं कि जो अथॉरिटीज़ है वो भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो एक जिम्मेदारी के साथ साथ एक लोगों का कल्याण होता है, सोसाइटी का कल्याण होता है, यही करना है हमें आगे भी। यही हमारा है, हमारा व्यूअर बेस जो है, हमारे मेंबर्स पे बोलूँगा इन्हें और बड़ा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हमारे साथ जुड़े, हमारा यही है आगे का सोच। मुकेश जी ने अभी जो भी बोला, आई होप आप लोग इनसे बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। सो मुकेश जी, जैसे आपका बीएफसी जो न्यूज़ चैनल है वो तो बहुत सालों से और वो बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं, सब लोग उसमें न्यूज अपना देखते हैं, मैं भी पर्सनली आप कर देखता हूँ। तो बीएफसी न्यूज़ चैनल जो है, इसके अलावा आपका और भी कोई न्यूज़ चैनल है या फिर बीएफसी से जुड़ा हुआ कुछ है? बिल्कुल है, बीएफसी का और भी लैंग्वेजेस में है, जैसे हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, नेपाली हो गया, सांतरी हो गया, एंड ऑब्वियसली बीएफसी न्यूज़ जो कि इंग्लिश में भी है। सो ये सभी ऑपरेट करता है। इसके अलावा हमारा द वॉइस ऑफ गोवास पेज है, सिलीगुड़ी 24/7 है, सेम वे में मालवाजा 24/7 है, बंगाल मेल है, सिलीगुड़ी मेल है। तो इस तरीके का बहुत सारा न्यूज़ चैनल्स है, हमने बना के रखा है एरिया वाइज, रीजन वाइज, कि उस एरिया के, उस रीजन के लोग उससे कनेक्ट कर सके, एंड वी टुगेदर फॉर्म वन पेरेंट न्यूज़ चैनल जिसका नाम है बीएफसी न्यूज़ नेटवर्क। सो इसके अंदर ही सारे ये इंटीग्रेटेड है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपने मुकेश जी के जर्नी के बारे में सुना और आपने, आप लोग ये भी फील कर सक रहे होंगे कि इस लाइन में काम करना एक बहुत ही प्रेशर वाला होता है और एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। सो मुकेश जी, फाइनली इंटरव्यू एंडिंग करने का टाइम आ चुका है, तो लास्ट एक सवाल आपसे होगा। सो अभी हमारा जो इस इंटरव्यू वीडियो को जो भी हमारे यंग लड़के या लड़कियां देख रहे हैं, अभी के टाइम में मेरे जैसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जिनको इस लाइन में मन होता है, तो आप अपने तरफ से उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि इस लाइन में कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है? ऑब्वियसली अब मैं जो भी हम इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, हमसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमारे साथ एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं ऑब्वियसली। सो उनका प्रॉपर टाइम में ये ट्रेनिंग भी हो जाएगा एंड वी कैन ट्रेन देम, मैं ये बोलूँगा, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9609050105, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग 24/7 अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम लोग एज अ फ्रीलांसर वो कर सकते हैं साथ में। तो फाइनली जो भी लड़के लड़कियां, यंग लड़के लड़कियां हैं जो इस लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जैसे अभी सर ने बोला, तो आप जुड़ सकते हो बीएफसी के साथ भी, और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, तो जो जहां रहते हैं आप लोग वहां पे जुड़ सकते हो। सो फाइनली आज मुकेश जी के साथ इंटरव्यू करके एक बहुत ही अच्छा लग रहा है, इनके साथ इंटरव्यू करने का मेरा बहुत टाइम से मन था। सो अब बीएफसी न्यूज़ चैनल के बारे में आज आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो मुकेश जी ऐसे फ्रंट कैमरा में कभी आते नहीं है, तो मेरे रिक्वेस्ट पे ये आए। सो मुकेश जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। मैं आपके व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी रोहन जी के चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोले कि इनका चैनल को सपोर्ट करें, ताकि ये भी आगे चलकर आप जो एक आगे बनने वाले पर्सनालिटी, आपका भी आके इंटरव्यू ले एंड लोगों को प्रभावित करें। मैं यही बोलूँगा कि इनको भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच रोहन जी, एंड आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। सो इनके साथ मेरा मन था बहुत टाइम से इंटरव्यू करने का, आज फाइनली ये सक्सेसफुल हो चुका है। सो अगर आपको मुकेश जी का बात अच्छा लगा, बीएफटी न्यूज चैनल के बारे में आपको जान के अच्छा लगा, सो आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आप लोग से किसी और न्यू इंटरव्यू वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मेरे से जुड़े रहिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोग से किसी और इंटरव्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।